रामनगरी अयोध्या में कैंट थाना क्षेत्र के मौशीवाला रानी बाजार की रहने वाली एक महिला ने अपने ही पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि महिला का पति उसकी 14 वर्षीय बेटी को बहला फुसला कर ले गया है। महिला को डर है कि कहीं उसका पति उसकी बेटी को बेच ना दे। महिला का ये भी आरोप है कि ये घटना पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले भी इस तरह के कई वारदात को अंजाम दे चुका है। इतना ही नहीं, महिला ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित महिला अपने पति से पिछले 8 साल से अलग रहकर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है। फिलहाल पीड़िता ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। लेकर गया था, 2 महीना रही थी वहाँ पर, जबरदस्ती आने नहीं दे रहा था, और दोबारा आज घटना है, फिर पकड़ के ले गया। पुलिस ने क्या कार्रवाई किया? पुलिस ने कार्रवाई कुछ नहीं किया। जब पहली बार हुआ था, उसके पहले आपने पुलिस को किया था? हमने किया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो आज चाहती कि आप, क्या हुआ आज ऐसा? आज ऐसे हुआ कि लड़की को पकड़ के ले गया। हम ये चाहते हैं कि हमारी लड़की हमारे पास आना चाहिए। ये तो लड़की वो लेके गए तो क्या कोई नहीं, अगर कोई बाप अपनी बेटी कहीं ले जा रहा है तो कोई आपको दिक्कत तो है नहीं? हमको दिक्कत नहीं, लेकिन उसके पास नहीं रहे कि आदेश नहीं कि उसके पास हमारी लड़की रही। वो आदमी नेचर गलत। क्या आपको शंका है उनके ऊपर? शंका है कि वो गलत है, उसकी आदत गंदी है। यहाँ कब से रह रही हैं आप? पैसा लेता है। अच्छा, हाँ, लड़कियों को बेच के पैसा लेता है। क्या इसके पहले भी कोई इसके पहले कोई घटना घटी? हाँ, नीलम सिंह है उनका बेचे है, नीतू सिंह है उनका बेचे है, रूबी सिंह रही उनके की ATM चोराई, पैसा चोराई से 21,000 रुपया, उनके जेवर चोरी की, यही सब बात है।